फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। Hey guys, what's up? This is Prerna Jha, you're watching Fitness Beauty Mantra और आज मैं आ गई हूँ आपके लिए नवरात्रि की सबसे पॉपुलर रेसिपी लेकर के। जी हाँ, साबूदाने की खिचड़ी, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ मैं। जैसा कि मैंने अपने नवरात्रा डाइट प्लान वाले वीडियो में आपको बोला था कि मैंने वैसे तो साबूदाना की खिचड़ी के साथ बहुत ज़्यादा कुछ हेल्दी किया जा नहीं सकता है, क्योंकि साबूदाना एक प्योर फॉर्म है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स का, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट वाली चीज़ें होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसको कोशिश की है कि जितना भी मैक्सिमम कोशिश करके मैं इसको हेल्दी बना सकूं, जो थोड़ा ना थोड़ा आपके बॉडी को हेल्थ को बेनिफिट दे सके, उस हिसाब से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। मेरा वर्जन मैंने कन्वर्ट करने की थोड़ी सी कोशिश की है इसको, और मेरे वर्जन में, और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको खाइएगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन थोड़ा सा आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इसको खाने का। तो चलिए फिर हम आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, आपको पता है कंटेंट अच्छे मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को एक बिग लाइक दे दीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, वर्दी लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक पे इसे शेयर भी कर सकते हैं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। और अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी को। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को हम गर्म करेंगे और उसमें 1 टीस्पून क्लेरिफाइड बटर यानी कि घी, देसी घी ऐड करेंगे। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा ऐड करेंगे, और जब जीरा थोड़ा आवाज़ करने लगे तो हम इसमें थोड़ी सी करी लीव्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे ड्राइड करी लीव्स ली हैं। फिर हम इसमें 1 ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसमें 1 स्मॉल साइज़ का कैरेट ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड, एंड 1 स्मॉल साइज़ का कैप्सिकम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें हल्का सा रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक ऐड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि नमक आप पूरा अभी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप साबूदाना इसमें डाल दीजिएगा तो उसके बाद फाइनली आपको उसमें और नमक ऐड करना है, जितना भी आपको चाहिए होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे, और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि वेजिटेबल्स थोड़े पक नहीं जाते हैं। और हाँ, वेजिटेबल्स में कोई पाबंदी नहीं है, वेजिटेबल्स आपको जो भी आपके फास्ट में आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, जो कि आपको बहुत पसंद हो और आप ऐड करना चाहते हो, आप वो वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें उतना ज़्यादा अच्छा है, और इसको वेजिटेबल साबूदाना की खिचड़ी आप बनाइए, ज़्यादा वेजिटेबल रखिए, कम साबूदाना भी रख सकते हैं आप। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको पोटैटो ऐड नहीं करना है, आलू आप इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स जब हमारे अच्छे से कुक हो जाएं तो अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना आप रात भर भिगो लीजिए पानी में, या तो 4-4.5 घंटे पहले बनाने से पहले भिगो दीजिए, और ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। साबूदाना की क्वांटिटी में मैं आपको बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, इस चीज़ को आप एकदम ध्यान से रखिएगा कि सिंगल पर्सन, जो भी एक बंदा खाएगा इसको, वो 50 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 50 ग्राम वो भी रॉ फॉर्म में, ये फूलने के बाद नहीं, जब पानी में भिगोने से पहले 50 ग्राम आपको लेना है, जो कि तकरीबन आपका 6-6.5 बड़े चम्मच साबूदाना होगा। 6 से 6.5 चम्मच साबूदाना भिगोने से पहले आपको लेना है, जो कि 50 ग्राम के करीब होगा, जो कि फूलने के बाद, पानी में भिगोने के बाद इतना हो जाएगा। और ये सिंगल पर्सन की क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा मत कंज्यूम कीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें पीनट्स यानी कि मूंगफली, ड्राई रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे। और मूंगफली आपका 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इतनी क्वांटिटी के लिए। फिर हम इसमें बाकी बचा हुआ सेंधा नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगेन अब हम इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून कर्ड हम इसमें इतनी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, फ्रेश होममेड कर्ड। और उसके बाद हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के करीब पकाएंगे, और 3 से 4 मिनट बाद पकाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे इसमें।
सो फाइनली हमारा जो साबूदाना का खिचड़ी है वो बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और विश्वास करिए कि जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है उतना ही डिलीशियस ये खाने में लगता है। और आपकी ब्रेकफास्ट में अगर आप इसे इंक्लूड कर रहे हैं अपने नवरात्र के, तो आपके नवरात्र के दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो नहीं सकती है। ये बहुत डिलीशियस लगता है खाने में। बस दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको इसे ब्रेकफास्ट में ही सिर्फ और सिर्फ लेना है, और साथ ही साथ जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है साबूदाना की सिर्फ उतना ही सिंगल पर्सन के लिए लेना है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी ये रेसिपी। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग टिप्स ट्रिक्स रेमेडी रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।